Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. राजा बहादुर, जा रहे हैं आप? आज फिर इतनी जल्दी? तुम अभी कमसिन हो दुलारी, इसलिए नहीं समझते कि प्यार की रात बहुत जल्द गुजर जाती है। मैं कई दिनों से एक ही बात सोच रही हूँ, लोगों की रातें अंधेरी होती, मेरे दिन आप सूरज की आखिरी किरण के साथ आते हैं और पहली किरण के साथ चले जाते हैं। ऐसा मालूम होता है दिन की रोशनी से डरते हैं। हम डरते जरूर हैं दुलारी, मगर दिन की रोशनी से नहीं, बदनामी से। हम सोचते हैं कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ। इसमें बदनामी की क्या बात है? आपने मुझे अपनाया है और फिर यह आपका दिया हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में है, ये अंगूठी मौजूद है जो मुझसे पहले आपकी माता जी ने पहनी थी। ये सब झूठ है, ये तुम्हें अपना बनाना, ये तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी, सब झूठ है बहन, सब झूठ है। अगर सच है तो सिर्फ इतना कि एक राजा अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए रात को यहां आता है और सुबह अपने महल को वापस चला जाता है। दुलारी, हम चलते हैं। राजा बहादुर, आखिर हमारी भी कुछ इज्जत है, चिल्ला मत। ये लो अपनी इज्जत की कीमत। राजा बहादुर, आज आप यहां से अकेले नहीं जाएंगे, मेरी बहन भी आपके साथ जाएगी और आपकी दुल्हन बनकर।
कानूनी कुत्ते को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं राजा बहादुर, मेरे भाई को पुलिस के हवाले न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। खामोश। लगता है तुम्हारे कहने पर इसने इतनी जुर्रत की, हम आइंदा यहाँ कदम नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं राजा बहादुर, आ थाने कपड़े धुलाई खाते चलते हैं कर्जे की गाड़ी पर और किसी उछालते हैं सौकर बाबे पलटा रिक्शा। जी, जी कौन है ये आदमी? आप ही प्रजाओं सरकार, बेटी की शादी है, आप ही का आसरा है। जी इसकी बेटी की शादी में जो भी खर्च हो वो हमारे खजाने से दिया जाए। जो जय प्रजा बहादुर, जय। भाई बहुत 50,000 के गालीचे पर गंदे पांव लेकर आता है, चले जाओ यहां से। राजा बहादुर क्या है खजांची जी? सेठ धनीराम आया था और बहुत देर तक बैठा रहा, हमने उसे रास्ते में देखा, रिक्शा में जा रहा था। वो कह रहा था मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो ना करे, उससे कहो जो करना है कर ले। गुस्ताखी माफ हो राजा बहादुर, वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए मैंने तो हाथ जोड़े ताकि उसके सामने आपको आंख में झुकानी पड़े। ऐसा कब तक चलेगा राजा बहादुर? जागीरदारी खत्म हो चुकी, जागीरदार बाकी है, आमदनी रही नहीं, खर्चे वही बादशाहों के। ये बड़ी बड़ी मोटरें, दो दो घोड़ों की गाड़ियां, दरवाजे पर दरबान, कदम कदम पर नौकर। तो आप क्या चाहते? हम नौकरों को निकाल दें, घोड़े बेच डालें, मोटरें और गाड़ियां नीलाम करते हैं। ये सब हमसे नहीं होगा, हम बाहर उसी शान से जाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए अपने आप को इस चार दीवारी में कैद कर लेंगे, जैसे कि हमारे बहुत से दूसरे दोस्त कैद हैं अपनी इज्जत की चार दीवारी। लेकिन ये सब आप नहीं समझेंगे खजांची जी, आपका जन्म जागीरदार घराने में नहीं हुआ। राजा बहादुर आइए वकील साहब, क्या खबर लाए? खबर अच्छी नहीं है राजा बहादुर, मुकदमे का फैसला हमारे खिलाफ हो गया है, जमीन की डिग्री सौदागर मल को मिल गई। तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए आप कचहरी से दौड़कर यहाँ तक आए? मुट्ठी भर रुपयों के लिए हमारी हजारों एकड़ जमीन उस कमीने को मिल गई, ये इंसाफ नहीं अंधेर। वकील साहब आप जा सकते हैं, आपकी फीस आपके घर पहुंच जाएगी। जो हुक्म राजा बहादुर। गंदे जूते लेकर अंदर बस तुम। धनीराम जी आइंदा जूतियां बाहर उतार कर आया करो। जैसा हुक्म सरकार। ये गलीचा 50,000 रुपए का है। क्यों नहीं अन्नदाता? अरे बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती है अन्नदाता। धनीराम जी तुम भी हमें धोखा देने आए, सौदागर मल की तरह तुम भी कचहरी चढ़ाओगे हम? भगवान का नाम लीजिए सरकार, मैं सौदागर मल जैसा कमीना नहीं हूँ। अरे मेरी 7 पीढ़ियां इस जोड़ी के टुकड़ों पर पली है। सौदागर मल आपके बाप दादा की जमीन पर सूजी आटे का कारखाना खोल सकता है, लेकिन धनी राम ऐसा नहीं कर सकता। सरकार मेरी तो आधी जिंदगी जहां गुजरी है, बाकी जिंदगी भी आपकी जूतियों में गुजर जाएगी। मैं तो सरकार सिर्फ ये अर्ज करने आया था कि इस दस्तावेज की मियाद खत्म हो चुकी है। मियाद बढ़ सकती है, मगर सरकार सूद की तारीख भी तो गुजर चुकी है। खजांची जी ये हम क्या सुन रहे हैं? आप धनीराम का सूद वक्त पर अदा नहीं करते? पूछ लीजिए सरकार। गलती आप करते हैं, बदनामी हमारी होती है, अभी अदा किया जाए। बहुत बेहतर हुजूर। पान लागू सरकार। सरकार एक बात बोलूं? कहो। अगर आपकी इजाजत हो तो
तो आपकी बग्घी इस दास को झोपड़े तक छोड़ाएगी। प्रधानची जी, धनी राम के लिए किराए का रिक्शा मंगवा दीजिए। एक बात और याद रखना धनी राम जी, कल छोटे कंवर यहां आ रहे हैं, उनके सामने अव्वल तो इस देवड़ी में कदम नहीं रखना, और अगर भूले से आ भी जाओ तो सूद और मूल का किस्सा जबान पर नहीं लाना। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, छोटे भाई की नजरों में गिर नहीं सकते, समझे? भाई साहब, हम आ रहे हैं आपके पास। अरे बांके, हाँ ले, इसे भी संभाल के रख दे। सरकार, हाँ अब तो घर पहुंच को बीन बजाने का प्रोग्राम कर डालो। बोला क्या मतलब? अरे सरकार, शहनाई आप बजवा डालो, आप दूल्हा बनेंगे, मैं नाचूंगा, क्या सीन होगा। अरे नहीं बांके, हमसे पहले तो भाई साहब की शादी होगी, जिन्होंने हमें बाप की तरह पाला और माँ का प्यार दिया है। बस भाई साहब दूल्हा बने, घोड़ी पे बैठे, उनकी बारात निकले बाजे गाजे के साथ, और हम उसके सामने नाचें गाएं। बांके, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन वही होगा। अरे तो जल्दी ला लो ना वो दिन, सरकार जल्दी ला लो। आएगा आएगा, चलो। गर्मा गर्म बिस्तरा लगा दिया हूँ, मैं जाता हूँ अपने सर्वेंट कंपार्टमेंट में। अरे बांके यार, तुम्हें पहले ही कहा था, तुम भी अपनी सीट हमारे साथ बुक करवा लेते, सफर में कंपनी तो रहती। सरकार मैं होता तो लिमिटेड कंपनी होती, अब प्राइवेट कंपनी मिल रही ना। क्या मतलब? आप वो घर को देखो, देखो 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 कौन है बे? जान का टुकड़ा है और कौन है बे? सरकार अब रुकना, जाना मालूम जाता। नमस्ते बिमला जी। जी आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, देखिए ना कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, पिछले दफा जब कश्मीर गया तो वहाँ जहाज में सीट मिली बिल्कुल आपके साथ आज की तरह, और उसके बाद डल लेक में हाउस बोट मिला तो वो भी बिल्कुल आपके पड़ोस में। बैठिए ना प्लीज बैठिए। आप देखिए कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बलखाती नदियाँ, नीली गहरी झीलें, और उन झीलों में बड़े बड़े खूबसूरत कमल के खेत, और उन खेतों में दूर दूर तक बहता हुआ हमारा शिकारा, जिसमें आप और मैं दोनों साथ में बिल्कुल आज की तरह। अच्छा, आपका वो शिकारा तो डूब गया था? जी हाँ। और उसके साथ साथ आप भी डूब गए थे? जी हाँ। कमाल है, आप डूबे वहाँ और निकले डब्बे में से। देखिए ना कमाल है ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कश्मीर कभी नहीं गई। जी आप कभी कश्मीर नहीं गए? जी नहीं, मैं कश्मीर कभी नहीं गई। नहीं गई? आप फोटा गुस्सा करती है मैम साहब, कश्मीर तो मैं भी कभी नहीं गया। तो झूठ मूठ इतनी लंबी चौड़ी कहानी को बना रहे थे आप? जी कहानी वो कहानी से, कहानी की जरूरत तो पड़ती है मैम साहब, आप जिंदगी को लीजिए, चंद झूठी कहानियाँ, चंद झूठे वो सपने, चंद झूठी उम्मीदें, अगर ये ना हो तो जिंदगी क्या है? जैसे जिंदगी काटने के लिए चंद झूठी उम्मीदों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह सफर काटने के लिए चंद झूठी कहानियों की जरूरत पड़ती है। ये क्या ख्याल है आप सुनना चाहते हैं? फरमाइए। आप एक बहुत बड़े बोर है, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपने भी मुझे बोर कह दिया, शायद अगले स्टेशन तक चोर कह दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, सफर कट जाएगा। ओफो, बला की गर्मी है साहब। मेम साहब, आप अगर इजाजत दें तो मैं ये खिड़की खोलूं। अपनी तरफ की खोल लीजिए। जी हाँ, आप अपनी तरफ की खोल लीजिए, उधर से हवा इधर आएगी, इधर से उधर जाएगी, उधर से इधर आएगी, क्रॉसविंड। अब कुछ बात बनी। खाना खाएंगी आप?
नहीं। ठीक है साहब, हम भी नहीं खाते। ये मैगजीन पढ़ेंगी आप? मत पढ़िए, मत पढ़िए, हम भी नहीं पढ़ते। सफर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जिये मैं नहीं, मोहम्मद रफी कह रहे हैं। जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत, जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे मुझे देख कर यूं ना गुस्से में आ, मिले ना मिले फिर जरा मुस्कुरा। मुझे देख कर यूं ना गुस्से में आ, मिले ना मिले फिर जरा मुस्कुरा। है चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत, है चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे उजले सवेरे, महकते हैं बालों में दिल कश अंधेरे। चमकते हैं गालों में उजले सवेरे, महकते हैं बालों में दिल कश अंधेरे। है फूलों से नाजुक हाय हाय, है फूलों से नाजुक कमर खूबसूरत, है फूलों से नाजुक कमर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम मेरे हम सफर खूबसूरत तो है जिंदगी का सफर खूबसूरत। जब तुम हो मेरे बिमला जी गुड नाइट, कल सुबह से जल्दी जगा दीजिएगा मुझे। गाड़ी छोड़ने से पहले आपको एक बहुत अच्छा भजन सुनाऊं। राजा बहादुर आप यहां? ये बैंड, ये फूलों के हार, ये लोग, क्या कोई गवर्नर आ रहा है? जी नहीं, हमारा छोटा भाई आ रहा है सूरज। आप कैसे तशरीफ लाएं? मेरी बेटी रेखा भी इसी गाड़ी से आ रही। ओ,
तो समझ लीजिए हीरा लाल जी कि ये बैंड, ये फूलों के हार आपकी बेटी रेखा के लिए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हूँ, आओ बेटी। चलिए। सूरज, सूरज बोली पिताजी। कैसी हो? अरे रणबीर तू? हाँ। और ये पुलिस की वर्दी किराए पे लाया है क्या? किराए की नहीं है, सरकार ने दी है। हा? अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, हाँ। मुबारक हो भाई, मगर ख्याल रखना कहीं अटकड़ी हमें नहीं लगा देना। क्यों? अरे भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि इन पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। आओ। और भाई साहब कैसे हैं आप? ये सब क्या है पिताजी? ये बैंड, ये बाजा, ये साहब है कौन? राजा बहादुर हैं, अपने छोटे भाई को लेने आए। छोटे भाई? ये तो पूछते दिए कि लो है बेटी, तुमने राजा बहादुर की शान का जमाना नहीं देखा, हाथी झूलते थे इनकी देवड़ी के बाहर। चलिए चलो। तुझे अमरी सेब बहुत पसंद है ना? जहाज से कश्मीर से मंगवाए हैं। लेखा नहीं भाई साहब, पहले आप खाइए। अरे जब तक तू नहीं खाएगा हमारे हलक के नीचे कैसे उतरेंगे? लेखा भाई साहब, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। शौक से। मैं इंजीनियरिंग पास करके आ गया हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्कशॉप खोलना चाहता हूं। क्या कहा? वर्कशॉप तुम खोलोगे? हमारे भाई राजा विक्रम सिंह के बेटे, अब यहाँ के राजे लोहार का काम करेंगे। लोहार की दुकान नहीं भाई साहब, वर्कशॉप खोलना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, हमारे लिए दोनों एक। तो फिर आपने मुझे कॉलेज क्यों भेजा, इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई? इसलिए कि हर आदमी को कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ता है, वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग। हमारे लिए पढ़ाई वक्त काटने का एक तरीका है, रोटी कमाने का जरिया नहीं। हमारे जैसे लोग हाथ का काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, राज करने के लिए पैदा हुए। लेकिन हम राज करेंगे कहाँ, किस पर करेंगे? जमाना बदल चुका है भाई साहब, मगर हमारा दिमाग नहीं बदला। इसलिए नहीं बदले कि हमारा खून नहीं बदला, हमारी खानदानी शान नहीं बदली। ये हाथ दुश्मनों से लड़ने के लिए उठे भी हैं, दूसरों की मदद के लिए बढ़े भी हैं, लेकिन रोटी के लिए कभी फैले नहीं। जिन हाथों ने सदियों तलवार चलाई हो, वो हाथ खेतों में हल या कारखानों में हथौड़े नहीं चला सकते। हमने सैकड़ों बरस हिंदुस्तान की तहस को अपनी तलवार का पानी पिलाया, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हमारे खानदान का नाम किसी कारखाने के साइन बोर्ड पर नहीं लटक सकता, समझे? आइंदा कभी ऐसी छोटी बात सोचना भी नहीं। राजा बहादुर, क्या है खजांची जी? गुस्ताखी माफ हो, सौदागर मल जी। जयराम जी, आइए आइए सौदागर मल जी, आप हमें कचहरी का फैसला दिखाने आए हैं, आप हमें ये बताने आए हैं कि आजकल लोक राज में किस तरह एक दाल चावल बेचने वाला एक जागीरदार के सीने में फतेह का झंडा गाड़ सकता है। राजा बहादुर, मैं कोई झंडा वंडा गाड़ने नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के ये अर्ज करने आया हूँ कि अदालत में भले ही मुझे डिग्री मिल गई, लेकिन जिस तरह आप जमीन के पहले मालिक थे वैसे आप अब भी बने रहे। मैं चाहता हूँ कि उस जमीन में एक फ्लोर मिल खोली जाए जिसमें आप और मैं बराबर के हिस्सेदार हों, और अगर ऐसा हो जाए तो अपने कुंवर साहब को भी बाहर नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे, पार्टनरशिप की बात तो ना वो हो सकती है और ना होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना देखना चाहते। दुनिया बदल गई है राजा बहादुर। वो तो हम भी देख रहे हैं कि दुनिया बदल गई है, इसीलिए तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई कि यहां तक चले आए हमें आटे दाल की चक्की का पार्टनर बनाने। आपको तो वक्त ही समझाएगा राजा बहादुर। चला जा, चला जा यहां से सौदागर मल। अगर तू इस वक्त हमारे घर ना आया होता तो हम तेरे साथ क्या सलूक करते ये हम भी नहीं जानते। चला जा।
हजरत चाय पियो, क्या सोच रहे हा? कुछ नहीं बाकी, हम सोच रहे हैं ना जाने भाई साहब को क्या हो गया है, वक्त इतनी तेजी के साथ बदलता जा रहा है और वो अभी तक अपने ख्वाबों में खोए हुए हैं। अरे उन्हें अपनी ख्वाब की दुनिया में खोए रहते हैं, आप अपनी ड्रीम की दुनिया में खो जाना, हकीकत की बात ऊपर वाला जानता, बहुत लंबे हाथ उसके। सरकार आप छोड़ो ये सब बात, अब ये बताओ मुझे उस ट्रेन वाली प्राइवेट कंपनी का क्या हुआ बोला? अरे कुछ नहीं यार, उसने भी बहुत बोर किया। आप जरूर कुछ किए होंगे तब उसने शोर किया। अबे शोर नहीं, बोर बोर बोर। अरे उन्हों बोर किया था तो आप गौर करना था, गौर करते तो तौर बदलता। अरे हम सफर खूबसूरत, वो हमारे इतने नजदीक और फिर भी इतने दूर। ए मुन्ना। अरे मुन्ना थैंक यू वेरी मच, क्या ढूंढा तुमने तारे से, बस एक काम और कर दे, ऐसी तरकीब लड़ा कि कच्चे धागे से बंदी आए सरकार मेरी। जा शाबाश शाबाश, क्या बंदर बाहर दिया वापस। वो मारा दुपट्टे के साथ, दुपट्टे वाली भी आ रही। आजा आजा शाबाश। मुन्ना। तो ये आप हैं? जी नहीं, मैं हूँ और वो है। शर्म नहीं आती आपको? दूसरों के दुपट्टे उड़ाने के लिए बंदर भेजते हैं? आज की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, आइंदा मैं खुद हाजिर हो जाया करूँ। बेशर्म। जी नहीं, बड़ा शर्मदार है, देखिए आपका दुपट्टा भी वापस की देता है। अरे मुन्ना लॉन का दुपट्टा वापस कर दे और चलो मालकिन के पाँव छुओ, आज से इनमें और हम में कोई फर्क नहीं। आ जाओ बेटा शाबाश, आ जाओ। अरे चल दिया, देखिए बड़ा शैतान है, ऐसे ही चला गया। ये लीजिए अपना दुपट्टा, इसे अपने पास रखिए। जी बहुत मेहरबानी, मैं इसे अपने कलेजे से लगा के रखूंगा। जी नहीं। अच्छा तो आपने उसे ये भी सिखा के रखा है कि कोई अंदर आए और बाहर से दरवाजा बंद कर। जी नहीं, मैंने नहीं सिखाया, अब वो है ही जानवर, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ वो तो है ही जानवर, जन्म से जात से नस्ल से, लेकिन मेरी शिकायत इस जानवर से जिसके इशारे पे वो नाचता है। अब देखिए खामखा मुझ पे इल्जाम रख रही हैं, मुझे जानवर कह रही हैं, आपस में ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। मैं दरवाजा खुलवा देता हूँ। जो बदनामी करवा रहा है मुझे सारी जिंदगी के साथ, अरे फिर चला गया। अरे बाकी तू खोल। अरे मुन्ना पहलवान बहुत गुस्से वाले, मैं खोलूंगा तो मारेंगे उन्हें। तो खोल ना। सुनिए क्या कर रहे हैं? अरे यू रूट कर मत जाइए, देखिए हम पड़ोसी हैं, अब तो आमने सामने होता ही रहेगा, जिंदगी भर का साथ है। आप इस तरह नाराज होकर जाएंगी तो देखिए मेरा दिल टूट जाएगा। ओहो देखा गई ना आप। अजी नौकरों को तकलीफ दे रही है, ये खादिम जो हाजिर है मेरी हथेली पे पाव रखिए और चली जाइए। रखिए। वाह वाह आप तो बिल्कुल फूलों की तरह से है, बस आ रही है, देखिए फिर भी आइएगा जब ये मुन्ना को लाने के लिए भेज दूंगा। देखो बापू मैं फिर बोल रही हूँ, कुकुर नको डालो दरवाजे पर, मेरी बहुत बदनामगी हो रही है गली में, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं तुमको मालूम नहीं। ऐसे दो चार बापा और हो गए तो शहर की पुट्टियाँ जहर खाकर मर जाएंगी। मुझे सब मालूम है, कौन आता है मेरे जाने के बाद? कौन आता है कभी देखे तुम उसको? अरे देखा तो नहीं उस लफंगे को, मगर सुना सब कुछ है। क्या सुने? लोगों की झूठी बातें सुनते, बेटी की बातें नहीं सुनते। देखो बापू कुफुल डालने का है तो दुनिया के मुंह पर डालो। अरे दुनिया के मुंह पर नहीं डाल सकता, इसीलिए दरवाजे में डाल रहा हूँ। डाल लो, क्या होता है कुफुल डालने से, तुम 70 कुफुल डालो फिर भी खोल कर आएंगे उन्हें। खोल ना, खोल लगाओ बापू।
मैं सरकार सरकार तो किसी को भी बोलते हैं ना, आप तो हवलदार कितना बड़ा उदार हो। मैं सरकार मैं हवलदार मगर तुम कौन हो बखुरदार? अरे आप मुझे नहीं पहचान रहे? अरे चीचा मैं आपका पड़ोसी गोरे पाशा काले नवाब का बच्चा। ओ, काले नवाब साहब का बच्चा? अरे भाई अलाव मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, उन्हीं के दफ्तर से तुम पेंशन लेता हूँ। लेते होंगे चीचा एक बात पूछता हूँ बड़ा। पूछो चीचा, घर में कोई नहीं रहता क्या? इतना मोटा कुफुल लगा के काय को जाती आप? अरे बेटे घर में कोई नहीं रहता तो कुफुल लगाने की क्या जरूरत है? बहुत कीमती माल है अंदर, मेरी इज्जत। आपको अपनी इज्जत पर भरोसा नहीं क्या? अरे मुझे अपनी इज्जत पर तो भरोसा है लेकिन उसकी जिल्लत पर भरोसा नहीं। किसकी जिल्लत बोला? अरे है कोई मंगू कोचवान का आवारा पोट्टा। हाँ के तुम उसे जानते हो? अरे क्या बोले आप, उन्हें भोज छटावा पोट्टा, उन्हें हाथ से पूरा निकलावा, उन्हें सोधा लुट्टा लफंगा, बस इतनी तारीफ कर रहे हैं आप? अरे उन्हें आवारा गुंडा कुत्ते की तुम गधे का मुंडा, वो गुस्सा रहा मुझे, मैं खाप रहा, मेरे सामने आ जाता मैं मुंडा तोड़ को मुंह सड़ा दिए फेंक जाता हूँ मैं, खाप रहा हूँ, गुस्सा नहीं जाने दो जाने दो जाने दो। आप बोलते हैं मैं चुप हो जाता हूँ, पर एक बात याद रखो तुम्हें, मेरे होते हुए तुम्हारी इज्जत के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं बोला तुम्हें बेफिक्र रहो, कुफल खोल डालो और ये फुंगी बजाते हो चले जाओ। ठीक है जाओ जाओ जाओ। अरे क्या बोला? गठरी में क्या बात है नवाब साहब, लड़का पैदा करना तो कोई आपसे सीखे। क्या मतलब? अजी क्या नेक लड़का है। नेक लड़का? अजी क्या लड़के में शराफत है। वाह शराफत है? जी हाँ, क्या लड़का इज्जत वाला है। इज्जत वाला? अरे मेरा लड़का और इज्जत वाला? जी हाँ अजी, वो तो मेरे घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है और मेरे घर की चौखट के बाहर पहरा दे रहा है। अरे मैन तुम जी, तूने कहीं भांग तो नहीं फांग? ये सब सिफतें अगर मेरे लड़के में होती तो वो 3 बरस से जेल में थकी नहीं बीतता। आपका लड़का और जेल में? अरे भाई अभी तो 1 बरस और बाकी है। और बाकी है तो फिर वो कौन है? वो वाकई कोई गरीब लड़का होगा। नहीं शरीफ नहीं, वो तो आपके लड़के का भी बाप है। क्या मतलब? ये लीजिए आप जरा फुग्गे बेचिए, मैं अभी देख के आता हूँ। क्या बात है? अरे कुत्ती मैं लुटके बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरे गुरु पाशा अब तो छोड़ दो मेरे को। अरे मेरी सावली रानी कैसे छोड़ू बड़ा, पूरे 5 रुपए गली के पोटों को देकर बोला हूँ तेरे बाप से फुग्गे खरीदना फोड़ना खरीदना फोड़ना खरीदना फोड़ना, जब तक 5 रुपए के फुग्गे नहीं फूटते कैसे छोड़ू बोला। घर का भरोसा तो बनकर निकल जी। अरे तू घबरा रही क्या? तेरा बाप हौला गफला गलचप्पा उल्लू की तू फाड़ता शाम से पहले कहाँ आता हूँ। और कोई आ गया तो? किसी की बात से डरता हूँ क्या मैं? अरे तुर्रम खा से नहीं डरता, तुर्रम खा तो तुर्रम खा तेरे बाप से नहीं डरता बोला। तो क्यों उतारी क्या? मैं उतारी जी। नहीं तो तेरा बाप उतारा क्या? नहीं तेरा बाप उतारा बोला सरकार। अरे अब मैं तेरा मुंडा तोड़ के मूसा नदी में फेंकता हूँ, शैतान की औलाद में कोई पानी की औलाद बोला। अरे हाथ बापू की नहीं छोड़ूंगा बोला, छोड़ूंगा। अरे किधर गया? अब आएगा तो पूछ के बताऊंगी, पूछ के बताऊंगी। अरे कमीने बाप, मेरा मतलब है शरीफ बाप की कमीनी पट्टी, अब देखता हूँ वो किधर से आता है। अरे दरवाजे पर इतना मोटा कुकुर लगाऊंगा चोर को, क्या पुलिस भी नहीं खोल देगी। हाय बापू की पट्टी दूसरी तरकीब लगा को आता हूँ बोला, आ रहा हूँ कहता हूँ बोला, जाता हूँ बोला।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अब तो ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए, अब आठ पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। किशोर कुमार से अभी आपने अपनी पड़ोसन के बारे में सुना, अब सुनिए। अब क्या सुनेंगे? सूरज जी, भाई साहब। सूरज जी, जल्दी से तैयारी कर लो, हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर? हाँ, रेस खेलने, हमारे घोड़े दौड़ रहे हैं। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे तो रेस का भी कोई शौक ही नहीं। तुम्हें ऐसे शौक रखने चाहिए, हमने सोचा कि साथ चलेंगे और ये रेस खेलने के बाद वहीं से अगले इतवार को डर्बी खेलने चले जाएंगे और डर्बी जीतकर वापस आ जाएंगे। आपका हुक्म सारा अंकों पर भाई साहब, लेकिन मैं भी कल ही तो आया हूँ, अपने नए पुराने दोस्तों से मिला भी नहीं, इस दफा आप माफ कर दें तो बेहतर होगा। अच्छी बात है, तुम अपने दोस्तों से मिलो, लेकिन हमारी जीत की दुआ कर। गुड लक भाई साहब। थैंक यू। अरे भाई साहब आपको क्या मालूम, घोड़े तो अपने भी दौड़ रहे हैं। देखे, रंग भर दिया, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। कहाँ हैं आप? ऊपर देखो या नीचे, आगे देखो या पीछे, या देखो दाएं बाएं, बस हम ही हम नजर आए। ऊपर देखो या नीचे, आगे देखो या पीछे, या देखो दाएं बाएं, बस हम ही हम नजर आए। जाति कहा हो आज तो हम आंखों पे छाए, कल दिल पे छाएंगे, चैन से सोने भी ना देंगे, ख्वाबों में आएंगे, ओ तड़पाना भी हम जाने, बहलाना भी हम जाने, कहो तड़पाए या बहलाए, बस हम ही हम नजर आए। ऊपर देखो या नीचे, आगे देखो या पीछे, या देखो दाएं बाएं, बस हम ही हम नजर आए।
हक हमारा जन्म जन्म का क्यों इस जन्म जुदाई नहीं निभानी थी तो पिछले जन्म कसम क्यों खाई ओ अच्छा है मिलके रहना फूलों सा खिलके रहना फिर क्यों ना हम मुस्काएं बस हम ही हम नजर आए ऊपर देखो या नीचे आगे देखो या पीछे या चुप चिल्लाइए मत मैंने सब सुन लिया है सुन लिया है ना बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन हरकतों का पता अगर आपके भाई साहब को चल गया तो उसकी फिक्र मत कीजिए मेरे भाई साहब है ना वो मेरे प्राइवेट मामलों में बिल्कुल बिल्कुल दखल देते ही नहीं अच्छा हाँ एक बात तो बताइए अगर आपके पिताजी को आपकी किसी हरकत का पता चल जाए तो मेरे पिताजी भी मेरे प्राइवेट मामलों में दखल नहीं देते अच्छा तो इसका मतलब हम दोनों बिल्कुल प्राइवेट हैं हैं मिलाइए हाथ खजांची जी ये दुलारी का भाई जी अभी थोड़ी देर कुमार साहब ने तो नहीं देखा इसे जी नहीं वो घर पर नहीं फिर भी ख्याल रहे बेहतर दुलारी तुम यहाँ क्यों आई मैं ये कहने आई हूँ कि अब दो ही रास्ते रह गए हैं या तो एक गोली मेरे सीने के पार उतार दीजिए या मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए तुम्हें मालूम होना चाहिए दुलारी आजकल हमारे छोटे भाई यहाँ आए हुए वो हमारे बेटे की तरह है हम नहीं चाहते कि उनके साथ मेरा भी एक भाई है जो अपनी बहन को सुहाग की चूड़ियां तो न पहना सका लेकिन खुद जकड़ा गया जंजीरों और बेड़ियों में खूनियों का यही हश्र होता है खूनियों का नहीं राजा बहादुर गरीबों का चलो यही सही दुलारी कुछ और कहना है तुम्हें जी हाँ कहना है आपने कुछ वादे किए थे मुझसे कौन से वादे शादी के दुलारी कभी तुमने ये भी सोचा है कि जो जगह तुम्हारी है और जिस घर में हम रहते हैं उसमें कितना फासला है जानती हूँ राजा बहादुर अच्छी तरह जानती हूँ फासला उतना ही नहीं जितना आप तय करके मुझ तक पहुंचे थे दुलारी तुम बहुत मुंह खोलने लगी हो बताओ तुम्हें कितना रुपया चाहिए मेरा मुंह आप रुपयों से नहीं बंद कर सकते आपके पास बंदूक है आपकी उंगली के हल्के से जुम्बिश मेरी मुश्किल हमेशा के लिए आसान और आपकी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म कर सकती है नहीं दुलारी नहीं हम तुम्हें कैसे समझाएं कि तुम इस घर की शोभा नहीं बन सकती हम अपनी भूल की कीमत अदा कर सकते हैं लेकिन जिंदगी का सौदा नहीं कर सकते लेकिन हम शंकर को भेजते हैं वो तुम्हें घर तक छोड़ आएगा शंकर दुलारी अंदर कमरे में उसे महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो और ख्याल रहे कि वो आइंदा इस महल में कदम न रखे जो हुक्म सरकार खिड़की क्या तेरे मेरे बीच में अगर किले का फाटक भी आएगा ना तो उखाड़ के फेंक डालता हूँ बोला सच्ची आओ अरे ये क्या फाटक जीतक मेरे दोस्त इसे बड़ा काम कर रहा है मेरा एक दोस्त पहाड़ छोड़ को उसमें से दूध की नदी निकाल डाला कौन दोस्त अरे नहीं मालूम अरे वही चपला भरा अयो पप्पू आ गए बापू बेटी तुम आ गए हट इससे बातें कर रही थी ये किसकी आवाज थी आवाज आवाज तो मेरी थी बापू मेरे को अम्मा की आदत पड़ गई है उन्हें भी अपने से बात करते थे ना तो तेरी आवाज मर्द सर की हो गई ये लो आज मेरी आवाज तुमको मर्द की दिख रही है कल मैं इछमर दिखूंगी कहाँ है वो पुल्लू का अट्ठा और मेरा मतलब है उल्लू का पट्टा बापू मैं सच्ची बोलती हूँ आज उन्हें नहीं आया खिड़की कहाँ है खिड़की 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 बापू येरी
अरे मैं इस खिड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस खिड़की मैं कितनी वक्त बोली तुम्हारे को, तुम्हारे दीदे कमजोर हो गए, ऐनक बदल दो। आ बेटी हो। कौन है ये? अरे तू डर मत, ये उसी का पोस्टमैन है। ऐसा कैसा पोस्टमैन है? ये मुन्ना, कहाँ है रे? वो कहाँ है? इधर रेखा। बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी। माफ कर दो प्लीज, प्लीज। रेखा बचाओ, प्लीज प्लीज रेखा। मैं इस पोस्टमैन को छोड़ के आती हूँ। आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। ऐसी भी क्या बात है पिताजी? क्या बात है बेटी? पिताजी मैं जरा अपनी सहेली से मिलने जाऊँ। अच्छा जाओ। हीरा लाल जी, रेखा बेटी तो बहुत बड़ी हो गई। इसीलिए तो गिरधारी लाल जी रातों की नींदें जाती रही। आप मुझे बताइए हीरा लाल जी, आपकी जगह मैं चला जाऊंगा। मैं राजा बहादुर के बारे में सोच रहा था। गिरधारी लाल जी, सात पीढ़ियों तक अब उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चाहे तो ये बराबरी हमें बख्श सकते हैं। कहिए आप बात करेंगे उनसे? जी मैं देखिए, मैं ठहरा एक मामूली सा नौकर और राजा बहादुर आपके दोस्त हैं, और हीरा लाल जी ये बात तो बेटी वाले को ही करनी पड़ती है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। ये लीजिए लाला जी, घोड़े के जोर पे शह और मार। राजा बहादुर आप इस रुख को भूल गए, लीजिए आपका वजीर गया। लाला जी ये घोड़े की शह और बादशाह के लिए कोई जगह नहीं। हमारी आपके सामने क्या चलेगी राजा बहादुर, आप तो बिसाती इस तरह बिछाते हैं जैसे कोई जर्नेल जंग लड़ रहा। ये बात नहीं है लाला जी, आप खेल तो रहे थे शतरंज लेकिन पहुंच गए कहीं और। खूब पकड़ा आपने, मैं अचानक अपने घर पहुंच गया। घर क्यों? अभी अर्ज करता, आज आपको एक तकलीफ करनी होगी। कहिए। आपको मेरे घर चलना होगा, मैंने अपनी बेटी के लिए जो जेवर तैयार किए हैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। आप तो उल्टी बात करते हैं लाला जी, लोग जेवरात जौहरियों को जाकर दिखाते हैं। जी हाँ दिखाते हैं, देखने के लिए हीरे सच्चे हैं या झूठे, सोना खरा है या खोटा। लेकिन लाला जी हम तो ये भी नहीं बता सकते। लेकिन आपके पास एक चीज है राजा बहादुर, नजर, परख, इंतखा। हम लोग गहने घड़ सकते हैं, बना सकते हैं, परख सकते हैं, चुन नहीं सकते। चुनने वाली नजर तो आप जैसे राजाओं को नसीब हो सकती है। अच्छी बात है, हम चुन देंगे गहने। बहुत अच्छे हीरा लाल जी, कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब हैं। अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं को यहां भी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया। हमारे साय से भी इतनी नफरत, हमारे अक्स पर भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। जी नहीं, अपने अक्स पर। वो मेरा खत मिला था आपको? जी हाँ, ऊपर मेरा नाम लिखा था, नीचे आपका, बीच का कागज खोरा था। जी वो दरअसल बात यह है कि दिल की बात कागज पर ना ला सका। कौन सी बात? इतनी बड़ी बात कि इंसान लाखों किताबें लिख डाले तो भी ना कह सके, और इतनी छोटी बात जिसे एक आंसू, एक सिसकी, एक मुस्कुराहट कह दे। देखा बात वही है जो इस धरती के पहले मर्द ने इस धरती की पहली औरत से कही थी,
मुझे तुमसे प्यार है। इतनी बड़ी बात, इंसान लाखों किताबें लिख डाले तो भी ना कह सके, और इतनी छोटी बात
जिसे एक आंसू, एक सिसकी, एक मुस्कुराहट कह दे। देखा, बात वही है जो इस धरती के पहले मर्द ने इस धरती की पहली औरत से कही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ए, मैं कैसे लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हूँ। पिताजी, तुम ये कपड़े और गहने पहनकर एक जौहरी की बेटी नहीं लगती, किसी राजा की रानी लगती हो। किसे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। समझा, अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, किसी महल में होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? हाँ बेटी, मैंने ढूंढ भी लिया है तुम्हारे लिए एक महल। आओ मेरे साथ आओ। वो देखो, वो है तुम्हारा नया महल। एक जमाना था जब हम जैसे लोग दरवाजे के सामने से गुजर भी नहीं सकते थे। अंदर जाते थे तो डरते हुए, कांपते हुए, जेवर दिखाते थे तो नजरें जमीन में गड़ी होती थी, और वो ऊपर से इस तरह देखते थे जैसे कोई कीड़ों को देखे। पसंद है वो महल बेटी? पिताजी। जाओ बेटी, सो जाओ। अपने साय से भी कभी कोई शर्माता है? रेखा, मैं तुम्हारे लिए दीवारें फांद के यहां आया हूं, अपनी जान खतरे में डाल के, सर पे कफन बांध के। क्यों?
एक चांद आसमान में खिला था और एक छत पे, छत आसमान से ज्यादा नजदीक थी। अगर छत आसमान पे होती तो तुम्हारी कसम सितारे फान कर भी तुम्हारे पास पहुंच जाता। सच सच छोड़ो मेरा हाथ। क्यों? तुम्हें मालूम है ये हाथ बहुत जल्द किसी और के हाथ में दे दिए जाएंगे। किसके हाथ में? है कोई। कौन है वो? देखा, तुमने आज तक मेरा प्यार देखा है? मेरे प्यार के लोच देखे हैं, मेरे खून के उबाल नहीं देखे? उनके खून में भी यही उबाल है। मगर कौन है वो? कहाँ रहता है? सुना है पहले वो सामने रहता था, अब यहाँ रहता है। से मिलने आए हैं। क्या काम है? जी बताया नहीं। छोटे कौन कहाँ? वो शहर के लिए बाहर गए। बैठो, बेहतर है। आइए। राजा बहादुर को नमस्ते करो बेटे। यही हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी छत्र छाया में हम पलते हैं, इन्हीं के जूठन के टुकड़ों पर हम लोग जीते हैं। नमस्ते करो बेटे। जीते रहो। धनीराम। सरकार। आज अपने बेटे को साथ ले आए। राजा बहादुर, बरसों पहले इस दरवाजे पर इसी तरह मैं भी आया था, अपने बाप की उंगली थामे हुए। बाप मुझे ये घर दिखाने लाया था, मैं बेटे को ये घर दिखाने लाया। तुम कहना क्या चाहते? सरकार, बात ऐसी है कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। चक्कर लगाते लगाते मैं बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो गया, लेकिन सरकार आपके वादों का चक्कर खत्म नहीं हुआ। बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हो धनीराम। अभी परसों ही तो हमने तुमसे कर्ज लिया है। परसों? सरकार, आपकी परसों भी तो बरसों के बराबर होती है। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता सरकार। अगर सौदागर मल आपकी जमीनों की डिग्री ले सकता है तो मेरे लिए भी अदालत और कचहरी बंद नहीं। मैं भी जाके कानून का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। राम राम कहिए राजा बहादुर, मेरी क्या औकात कि मैं आपको धमका सकूं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरा कर्जा अदा न हुआ तो ये आपका शानदार महल नीलाम हो जाएगा। शहर भर में पोस्टर लगेंगे, अखबारों में इश्तेहार छपेंगे, गली बाजारों में डोंडी पिटेंगी। अब आप ही बताइए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी जब कोई पनवाड़ी, कोई पंसारी या कोई आटा दाल बेचने वाला बनिया या कोई नया माझा लगा हुआ ठेकेदार गोली देकर ये आपके बाप दादा की निशानी खरीद लेगा। चले जाओ यहां से, वरना नीलामी के पोस्टर लगने से पहले तुम्हारी लाश लटक रही होगी हमारी हवेली के फाटक पर। निकल जाओ।
जाता हूँ राजा बहादुर, अपने दिल का ये गुबार भी निकाल लो, लटकवा दो धनी नाम की लाश अपने फाटक पर, लेकिन फिर भी अपना हिसाब बंद नहीं होगा बल्कि शुरू होगा। अरे ऐसी खून में गर्मी है, ऐसे ही तनाव है तो पैसे उठाते क्यों है कर्जे पर? जो अपना पेट काट कर रुपए देगा वो मांगने नहीं आएगा। मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूँ कुंवर साहब, जिनको आंखें चुरानी चाहिए उनकी आंखों का पानी मर गया। पहले तो लोग कर्जा लेते हैं और बाद में धमकियां देते हैं, कहते हैं हमारी लाश फाटक पटंगवा देंगे। ये राजाओं का तरीका नहीं है कुंवर साहब, कसाइयों का चलन। एक लफ्ज भी कहा तो सा लफ्ज नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से। कुंवर साहब गला छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ मेरा गला छोड़ दीजिए, दूर से बात कीजिए और बात कीजिए भी तो नजरें झुका के बात कीजिए। आप भी राजा बहादुर की तरह आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि आप जिस महल में रहते हैं उसकी एक एक ईंट मेरे पास गिरवी रखी हुई है। आपके बदन पर जो ये कीमती लिबास है ये मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। आपकी जो इतनी पढ़ाई हुई है वो भी मेरे माल के जोर पर हुई है। ये बात दूसरी है कि मैं मामूली झोपड़े में रहता हूँ, ये गंदे कपड़े पहनता हूँ और अपने बच्चे को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाता हूँ, पर वहां भी इसकी फीस माफ करवा लेता हूँ। इससे अर्जी में लिखवा दिया है कि इसका बाप मर गया है, ये यतीम है, इसकी फीस माफ कर दी जाए। मगर क्या मुसीबत है कि कभी राजा बहादुर आंखें दिखाते हैं और कभी कुंवर साहब गर्दन दबाते हैं। कुंवर साहब अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो तो राजा बहादुर से पूछ लीजिए कि धनी राम जो कुछ कह रहा है वो ठीक है या नहीं, अगर झूठ हो तो मेरी जबान निकलवा लीजिएगा। भाई साहब आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए और मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या ये घर धनीराम के पास गिरवी है? तुम्हें किसी ने बहकाया है, हम उसे गोली से उड़ा देंगे। आप किसी आदमी को गोली मार सकते हैं मगर सच्चाई को नहीं। मुझे मालूम हो चुका है कि ये सारा घर कर्ज के पैसे चल रहा है, यहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई सब कर्ज के पैसे हुई है। अगर मैं जानता तो कब की पढ़ाई छोड़ देता। सूरज, पढ़ाई छोड़कर तुम क्या करते? आवारा गर्दी? आवारा गर्दी नहीं भाई साहब, काम। कौन सा काम? लोहार का? लोहार कहीं से, हाथ का काम करना कोई पाप नहीं, पाप वो करता है जो काम नहीं करता। सुना है कारखाने में इंजीनियर की जगह खाली, मैं आज ही सौदागर मल के पास जा रहा। क्या कहा? तू सौदागर मल की नौकरी करेगा हमारे दुश्मन की? अफसोस तो यही है भाई साहब, आप अभी तक अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान। आपका असली दुश्मन है वक्त, और वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है, मगर आप बरसों से एक ही जगह जमे खड़े हैं। आप तो ये जानना नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तो क्या सारी दुनिया में इंकलाब आ चुका है। हम तो एक मामूली राजा हैं, ये छोटे मोटे जागीरदार, मगर बाहर तो ताजदारों के ताज भी गए और ताज पहने हुए सर भी। भाई साहब वक्त की दहाड़ की चिंगार की नदी जब पहाड़ों के सीने चीर सकती है, फिर रेत की दीवारों की क्या मजाल जिनको हमने अपने चारों तरफ बांध रखा है। भाई साहब हम रोशनी की ताब न लाकर अपनी आंखों में पट्टी जरूर बांध सकते हैं, मगर सूरज का चिराग बुझा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ आदमी कब तक बीते हुए जमाने की लाश से लिपट के रह सकता है? भाई साहब ये लाश सड़ चुकी है, जितनी जल्दी हो सके इस लाश को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा देना चाहिए। सूरज, उससे पहले तुम्हारी जबान बंद करनी चाहिए, हम भी मुर्दों के पुजारी नहीं। अगर लाश है तो हमारे बाप, हमारे दादा की, हमारे बुजुर्गों की। हम मर जाएंगे लेकिन इसको नीलाम नहीं होने देंगे। अगर तुम चाहो तो इसे बेच दो, तुम भी इस लाश में बराबर का हिस्सेदार हो। सूरज, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं रेखा, नाराज तो हमसे वक्त हो गया है। मैं समझी नहीं सूरज। हाँ रेखा, हमारा प्यार पानी की लकीर था, आज तक हम अपने प्यार के धारे में बेखबर इस तरह बह चले गए कि पलट कर कभी यह भी न देखा वक्त और हालात के धारे ने एक नया मोड़ ले लिया है। रेखा, जो मैं कल था वो आज नहीं हूं। हमारे महल की बुर्जियां
उतनी ऊंची नहीं जितनी मैं जानता था या तुम जानती थी। हमारी खानदानी इज्जत एक ऐसा मीनार है जो हवा के किसी भी झोंके के साथ गिरकर चूर चूर हो सकता है। प्यार करने वाले किसी मंदिर की दीवारों से प्यार नहीं करते, उनमें बैठे देवता की पूजा किया करते हैं। रेखा, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल। क्या तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? वक्त आया तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं पूछता हूँ, आदमी कब तक बीते हुए जमाने की लाश से लिपट के रह सकता है? भाई साहब, ये लाश सड़ चुकी है, जितनी जल्दी हो सके इस लाश को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा लेना चाहिए। उससे पहले तुम्हारी जबान बंद करनी चाहिए, हम भी मुर्दों के पुजारी नहीं। अगर लाश है वो हमारे बाप, हमारे दादा की, हमारे बुजुर्गों की। हम मर जाएंगे लेकिन इसको नीलाम नहीं होने देंगे। राम राम कहिए राजा बहादुर, मेरी क्या औकात थी मैं आपको धमका दूंगा? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरा कर्जा अदा न हुआ तो ये आपका शानदार महल नीलाम हो जाएगा। शहर भर में पोस्टर लगेंगे, अखबारों में इश्तेहार छपेंगे, गली बाजारों में डोंडी पिटेंगे। अब आप ही बताइए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगा जब कोई पनवाड़ी, कोई पंसारी या कोई आटा दाल बेचने वाला बनिया या कोई नया माझा लगा हुआ ठेकेदार गोली देकर ये आपके बाप दादा की निशानी खरीद ले। बोलिए, शानदार हवेली के लिए बोली बोलिए। 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख, दागीदार के हवेली 12 लाख, 20 लाख, 1। कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब है, अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब, अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब, कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब। रिवाल्वर हाथ में, बैग, ये आपका हुलिया। सूरज, तुम्हें मालूम नहीं आज क्या हुआ और हम क्या से क्या हो गए। ये कैसा शोर है भाई साहब जो हमारे घर की तरफ बढ़ा रहा है?
कि पुलिस के सायरन, ये चोर चोर की आवाज, ये सब क्या है? तुम्हारा भाई आज चोर बन गया है सूरज। लेकिन क्यों? और कोई रास्ता नहीं था। धनी राम तुम्हारे सामने धमकी देकर गया, और हमने कहा था कि हम अपने बाप दादा की आन बान का नीलाम नहीं होने देंगे। सूरज, ये क्या कर रहे हो? आपकी पगड़ी अपने सर बांध रहा हूँ भाई साहब, ये चोरी मैंने की है। सूरज! हाँ भाई साहब, आपने खुद ही कहा था कि मैं आपकी हर चीज में बराबर का हिस्सेदार हूँ। हिस्सेदार हो इस महल में, बाप दादा की जायदाद में, उनकी शान में, लेकिन तुम्हारे जुर्म में नहीं। हिस्सा हर चीज में होता है भाई साहब, और ये समझ लीजिए कि आज जबरदस्ती मैंने अपना हिस्सा मांग भी लिया और ले भी लिया। सूरज, ऐसा हर किस नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ यही हो सकता है भाई साहब, यही होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके सामने सूरज नहीं, उसकी लाश होगी। यही, ये कोट उठा दीजिए, उठा दीजिए कोट। भाई साहब, जब तक मैं यहां से चला नहीं जाऊं, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। देख क्या रहा है? पहना हाथ कड़ी? हमने तुझे नहीं कह दिया था कहीं हाथ कड़ी मत पहना देना। चलो अच्छा ही हुआ, गिरफ्तार भी हुए तो यार के हाथ, किसी गैर के हाथ नहीं। जुर्म में आए हैं यहाँ? डाके। डाका? कौन सा डाका? जो हम दोनों ने मिलकर डाला है, तुमने और मैंने। आपने? ये झूठ है कुमार साहब, ये सब आपने। राजा शंकर, शंकर खबरदार, ये नाम तुम्हारी जबान पर कभी ना आए, ना यहाँ ना अदालत में। ये मत भूलो, अगर मैं चोरी कर सकता हूं तो खून भी कर सकता हूं। तो कर दीजिए मेरा खून, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कुंवर साहब कि चोरी राजा साहब करे। शंकर, वो सजा भुगते। शंकर,
कर इतना याद रखो जो मैंने की है सब मैंने कुमार साहब काफी लंबा हाथ मारा था शुगर कीजिए लाला जी एक एक चीज बरामद हो गई ये सब आप ही के मेहनत का नतीजा है इंस्पेक्टर साहब वरना मैं कहीं का नहीं रहता मुझे बहुत अफसोस है लाला जी इस चोरी से राजा बहादुर के मुंह पर जो दाग लगा है शायद वो जिंदगी भर ना धुल सके क्या मतलब ये कहते हुए कलेजा मुंह को आता है लाला जी कि चोर राजा बहादुर का छोटा भाई सूरज है सारा माल उन्हीं से बरामद हुआ है यकीन मानो रणबीर ये चोरी मैंने की है मानू तो कैसे मानू सूरज मैं तुम्हें जानता नहीं क्या हम दोनों एक साथ पढ़े हैं एक ही साथ खेले हैं बरसों तक एक ही बेंच पर बैठे हैं एक ही बेंच पर खड़े भी हुए हैं आज अचानक मैं कैसे मान लूं कि मेरा दोस्त चोर भी हो सकता है सूरज ये हाथ सब कुछ कर सकते हैं मगर बंदूक नहीं चला सकते तिजोरियां नहीं तोड़ सकते ये हाथ तुम्हें लगे नहीं यार भाई साहब मैं एक मिनट के लिए अकेले में अपने भाई से बात कर सकता हूं अपने भाई से नहीं एक मुजरिम से भाई साहब मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं आप तो बस इतना याद रखिए कि चोरी करने मैं गया था आप नहीं अपनी जिंदगी की किताब से वो वर्क की फाड़ के फेंक दीजिए उसके पुरसे पुरसे करके उड़ा दीजिए उसे हवा में सूरज मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो भाई साहब अगर सजा आपको होगी तो जानते हैं क्या होगा लोग अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छापेंगे मैं जान जाऊंगा लोग कहेंगे चोर का भाई जा रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मैं किसी का खून कर दूंगा खून की सजा फांसी होती है भाई साहब नहीं मुझे चोर कहलाना मंजूर है मगर चोर का भाई या चोर का बेटा नहीं मैं फैसला आप पे छोड़ता हूं आपको जेल की सजा के बाद अपना भाई चाहिए या उसकी लाश नहीं मुझे अपना भाई चाहिए मेरे बेटे मुझे सूरज चाहिए तो बस हो गया फैसला सजा मैं भुगतूंगा जेल मैं जाऊंगा सूरज कल तक तुम इतने छोटे थे एक रात में इतने बड़े हो गए मुलाकात खत्म हो गई राजा बहादुर थैंक यू रणबीर सूरज तुमसे कोई और मिलने के लिए आया है कौन वो तो तुम ही जानो शायद वहीं से आए हैं जहां तुम जान हथेली पर रखकर और सर पे कफन बांध कर जाया करते थे रेखा ही है क्या हाँ क्या तुम मिलना नहीं चाहता मगर मैं मिलना चाहती हूँ इंस्पेक्टर प्लीज जी हाँ समझ लीजिए चला गया मैं भी चली जाऊंगी लेकिन जाने से पहले इतना जरूर पूछ लूंगी तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ती वो भी तो चंद दिनों में मैं तुम्हारी होने वाली थी फिर मेरे साथ मेरे सारे दौलत रेखा मगर मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था ना तुम्हारा ना तुम्हारी दौलत का वो प्यार वो वादे वो मेरे हाथों में हाथ मेरी आंखों में दर्द तुम्हें आंसू तुम्हारे खून के उबाल तुम्हारे दिल की ऊंचाई सब गलत था सब झूठ था हाँ रेखा सब झूठ था सब झूठ था मैंने तुमसे एक दिन कहा था ना कि हमारा प्यार पानी की एक लकीर है बस हवा का एक झोंका आया और वो लकीर हमेशा हमेशा के लिए मिट गई तुम जाओ रेखा मुलाकात का वक्त खत्म हो गया वक्त नहीं मुलाकात भी वादा करो मिलाओ हाथ
निकालने बड़ा आसरे है। अरे पहलवान जी, इस घर में एक और मेहमान आ रहा है, बड़ा आदमी। ओए साढ़े नाल भी बड़ा, बहुत बड़ा आदमी। ओए इतने छोटे छोटे तो आंदे ही कोई नहीं, जेड़े आंदे ने बड़े ही आदमी। आइए तशरीफ लाइए ना, वहां क्यों रुक गए आप? आइए पहलवान जी, ये वही साहब है जिनका मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था, कुंवर सूरज। आप मुझे जानते हैं भाई साहब? क्यों नहीं, आपकी फोटो तो हर अखबार में छप गई है हुजूर। बहुत बड़े आदमी हैं, देखिए ना, साथ में खिदमतगार भी लाए हैं, शंकर इनका वफादार नमक हलाल कुत्ता। लगता है आप भी राजा बहादुर के कमीनेपन के शिकार हो गए हैं। खबरदार, भाई साहब की शान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो जबान फट जाऊंगा, वो मेरे लिए देवता समान है। आपे नो आथा पाई, नो मार कुटाई, अगली ऐसी बात करके तुसी जेल दे अंदर आयो यानी के मंदिर आयो, उन फिर ऐसी बात करोगे तो जेल दे बाहर चले जाओगे। असा बरादरी नु वधाना है, कटाना नहीं, शांति शांति। ओ पापे इत्थे तो सारे शरीफ रहंदे नी। हां बरकरार, माफ करना मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन जिस गरीबान पर तुमने हाथ डाला है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जख्म है, मगर तुम्हारी बुतपरस्ती देखकर जबान को ताला लग गया है। एक दिन तुम्हारा यह भरम जरूर टूटेगा और उस दिन पूछेंगे कि दो और दो चार होते हैं या 22। मिला दोस्ती का हाथ और भूल जाओ सारे काम। सूरज की नादानी की वजह से राजा बहादुर क्या से क्या हो गए। गिरधारी लाल जी, मेरे दिल की बात दिल में रह गई, सोच रहा हूं अब उनसे रेखा के लिए कैसे बात करूं। जी क्या इतने बड़े हादसे के बाद आप ये रिश्ता चाहेंगे? क्यों नहीं गिरधारी लाल जी, मैं तंग दिल और तंग नजर नहीं हूं, राजा बहादुर राजा बहादुर ही, मुझे उन पे नाज है। जाओ उड़ जाओ। उड़ जाओ आसमानों में, आज हमारा बस चले तो दुनिया के तमाम कैदियों को आजाद कर दे। मुन्ना जाओ जाओ आओ जाओ जी, मुलाकात के लिए आए राजा बहादुर। हम किसी से मिलना नहीं चाहते, कह दीजिए कि हम घर पर नहीं। बेहतर है। माफ कीजिए हीरालाल जी, हमने झूठ बोला और पकड़े गए। आइए। आपने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया राजा बहादुर, भाई जेल गया आपने घर को जेल बना दिया। ये तो सोचिए आदमी कब तक दुनिया से मुंह छुपा सकता है। हम भी यही सोच रहे हैं हीरालाल जी कि हम आप कौन सा मुंह दुनिया को दिखाएं, खासकर आपको। मैं आपका दोस्त हूं राजा बहादुर, समझ सकता हूं आपका दुख, जो जख्म आपके। हीरालाल जी जख्म तो भर ही जाएंगे शायद, लेकिन वक्त तो लगता है। आप ठीक कहती हैं, देखिए ना जुर्म कौन करता है और सजा कौन भुगतता है। आप सच कहते हैं, जुर्म कौन करता है और सजा कौन भुगतता है। जुर्म कौन करता है, सजा कौन भुगतता है। जुर्म कौन करता है और सजा कौन भुगतता है।
लोग तशरीफ रखिए। नहीं, मैं अब नहीं ना सकूंगी। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। आप बहुत देर से आ राजा बहादुर। अब मैं दुकान बंद कर चुकी हूँ। हम किसी दुकान पर नहीं आए दुलारी, तुम्हारे घर आए हैं। आप शायद भूल गए हैं राजा बहादुर कि जिस बाजार में मैं बैठी हूँ और जिस घर में आप रहते हैं, उन दोनों में कितना फासला है। जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और हम वही फासला फिर से तय करके आए हैं तुम्हारे पास। अब क्या रखा है मेरे पास? सब कुछ तो आपने छीन दिया। आप ही के दिए जन्नासू हैं, क्या वो भी छीन लेना चाहते हैं? पुरानी बातों को भूल जाओ दुलारी, हमें बैठने के लिए नहीं पूछोगी? जी, आइए। आओ दुलारी, तुम भी बैठो हमारे पास। जिस दुलारी को आप बुला रहे हैं वो तो कब की मर चुके हैं राजा बहादुर, और जो आपके सामने है वो तो एक चिता है जो अब तक जल रही है, सुलग रही है। कहते हैं चिता को छेड़ना पाप होता है। खैर, आप ये बताइए क्या सुनेंगे, गजल, टप्पा, ठुमरी? आज तुम जो सुनाओगी हम सुनेंगे। तो फिर आप बीती सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। बदनाम हो गया दिल, बदनाम हो गया दिल, बस आपकी बदौलत हमने सजाई महफिल, बस आपकी बदौलत बदनाम हो गया दिल, बस आपकी बदौलत।
आप लोग जाइए, कुछ सुकून मिला सरकार को। सुकून पाने ही तो हम तुम्हारे पास आए थे बुलाने, लेकिन तुमने आईना रख दिया हमारे सामने। ये आईना देखकर हमें अपने आप से नफरत सी होने लगी। ये लो। राजा बहादुर, बातों ही बातों में आईने का रुख मेरी तरफ कर दिया। कभी मैं आपकी रातों का गहना बनी थी, आज आपने मेरी एक शाम सजा दी। आज तो कीमत मैं अदा करूंगी, आप नहीं। बोलिए क्या चाहिए कीमत? क्या मतलब? मैं पूछती हूँ क्या कीमत चाहिए? तुम्हें क्या हो गया है दुलारी? मर गई दुलारी, आज मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आपका एहसान, ले जाइए सब कुछ, ये सब कुछ ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। लेकिन इतना याद रखिए राजा बहादुर कि आपको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। आप हमेशा डरते रहेंगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। दुलारी, दुलारी, कोई है? जी हजूर। दुलारी, बाहर डॉक्टर को बुलाओ। जी हजूर। बहादुर, क्या बात है खजांची? जी हीरालाल जी, घर से आदमी आया था, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है, आपको बुलाया है। ओ, हम अभी आते हैं। शाम को बाहर से आए और कहने लगे कि मेरे बाएं बाजू में बहुत दर्द है, इतने ही कह पाए कि सुने। राजा बहादुर, अब ये रात भर सोए रहेंगे, मैं सुबह फिर आऊंगा। दौरा क्या बहुत जोर का पड़ा है? जी हाँ, काफी सीरियस। दिल छोटा ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी का कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इनके सिवा इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। भाई, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न जाने आज बहन क्यों याद आ रही है, भगवान जाने वो कहां होगी, किस हाल में होगी। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं। ये 555, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। तू यहां? आज राखी है ना भैया? ओ, तभी आज तू बहुत याद आ रही थी। आज तू उस भाई को राखी बांध रही है जो तेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो भैया, इसी कच्चे धागे के बंधन ने ही तो तुम्हें इन लोहे के सिलाफों के पीछे बांध दिया। अच्छा भैया, मुंह तो खोलो। कुंदन भाई, यही है तुम्हारी बहन?
हाँ यही है वो बदनसीब। सुनिए भाई का प्यार तो मैंने बहुत देखा है मगर बहन का प्यार नहीं देखा। मेरी कोई बहन नहीं। मुझे भी राखी बांध दो बहन। दुलारी बांध दे राखी। कुदरत कैसे कैसे खेल दिखाती है। तू बहुत भाग्यवान है। आज से तेरे दो भाई हैं। बहन इस वक्त आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता मगर तुम्हारा कर्ज रहा जिंदगी रही तो वो भी चुका दूंगा। मुंह मीठा कर लो। आज राजा बहादुर नहीं आए बेटी। आते ही होंगे। आपको तो मालूम भी नहीं बाबूजी राजा बहादुर ने आपकी बीमारी में कितना ख्याल किया है आपका कितना साथ दिया है मेरा। मैं अकेली होती तो पागल हो जाते। ऐसी शराफत के नमूने और कहां मिलेंगे बेटी। ये खुलूस ये मोहब्बत ये प्यार खानदान आखिर खानदानी होता है। मुबारक हो। बीमारी ने आपको और आपने पलंग को छोड़ दिया। ये लीजिए ये आपके लिए। शुक्रिया। बाहर की पहली भेंट। लाइन में गुलदान में लगा दो। आपको मालूम है डॉक्टर ने बाबूजी को चलने फिरने की इजाजत दे दी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फिर हीरा लाल जी आप बैठे क्यों हैं। आइए आइए पूरा बोझ हमारे कांधों पर डाल दीजिए। मैं तो सोचता था राजा बहादुर पूरा बोझ हमेशा के लिए आपके कंधों पर डाल दूं। हम समझे नहीं। मैं नदी किनारे का पेड़ हूं राजा बहादुर। न जाने कब बाढ़ आ जाए और पेड़ जड़ से उखड़ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप हीरा लाल जी। राजा बहादुर मैं आपसे दान मांग रहा हूं अपनी इकलौती बेटी रेखा के लिए सुहाग का दान। हमें आप सोचने के लिए वक्त दीजिए। अब आप सोचिए नहीं राजा बहादुर बस हाँ कह दीजिए। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं अन्नदाता कि ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते। धनी राम सरकार आज तुम हमारे पांव दबा रहे जी और उस दिन हमें कचहरी ले जा रहे थे। हुजूर उस दिन आप भी मेरी लाश फाटक पे लटकवा रहे थे। आप मेरी लाश आज भी लटकवा सकते हैं अन्नदाता आप मेरे मालिक हैं। हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे जी कहां हमारा खानदान और कहां हीरा लाल। राजा बहादुर आप ये सोचिए कि हीरा लाल के पास दौलत कितनी है और बेटी इकलौती। हीरा लाल हमारे शहर का हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जौहरी है सरकार। दिल्ली कलकत्ता बंबई मद्रास कौन सा ऐसा बड़ा शहर है जहां उसकी दुकानें नहीं है उसके मकान नहीं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब राजे महाराजे दुकानों पर बैठेंगे। अन्नदाता राजे राज ही करेंगे। दुकानों पर तो दूर के मेरे जैसे गुलाम बैठेंगे अन्नदाता। बस आप हाँ कह दीजिए मैं आज ही जाकर हीरा लाल से कह देता हूँ कि हमारे राजा बहादुर को रिश्ता मंजूर है। धनी राम सरकार इतनी बड़ी बात के लिए सिर्फ हमारी मंजूरी काफी नहीं। हमें अपने भाई से सलाह लेनी होगी। लेकिन सर तुम जा सकते हो हमें और भी काम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पंजाबी बिना टिकट आया था। खुलती हो गया मास्टर। बंगाली कैसे बिना टिकट करो बच्चों कैसे देख रहे हो बंदू पंजाबी बंगाली लग रहा है। बंगाली मद्रासी से मद्रासी मराठी से मराठी गुजराती से। मगर दादा जानते हो दरअसल कौन किससे लग रहा है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी से। कमाल है भाई लोगों ने देर को हिंदुस्तान बना दिया। सुन लो पूरब पश्चिम उत्तर
दक्षिण के ए लोगो, जीवन सबके लिए सजा है, हंसते हंसते भोगो। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं, भाषा को दीवार बना के क्यों तू बैर कमाए, बोल प्यार की बोली ऐसी गैर तेरा हो जाए। भाषा को दीवार बना के क्यों तू बैर कमाए, बोल प्यार की बोली ऐसी गैर तेरा हो जाए। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं, देखो बुरा न बोलो बुरा सुनो ना भाई, सब धर्मों का यही है मकसद यही तो है सच्चाई। बुरा न देखो बुरा न बोलो बुरा सुनो ना भाई, सब धर्मों का यही है मकसद यही तो है सच्चाई। चाहे गीता बाइबल पढ़ लो चाहे ग्रंथ कुरान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं, जोश में आके भूल गया तू, तू है एक खिलौना, कोख से तूने जन्म लिया है मौत की गोद में सोना। जोश में आके भूल गया तू, तू है एक खिलौना, कोख से तूने जन्म लिया है मौत की गोद में सोना। कांधे चढ़ के जाएगा निर्बल हो या बलवान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं है नंबर से पहचान, क्या राजा क्या रंक यहाँ पे सब है एक समान। नाम नहीं कोई धाम नहीं। मेरी बेटी नहीं, तेरा बाबू नहीं। अरे क्या हो गया तुमको, आज तो बंगे आया भी नहीं, और आएगा भी कैसे, इतना मोटा खुपुल खोल को। अरे उन्हें खोल भी लिया, आ भी गया बोला। बाकी तो आवाज करता हूँ बोला सरकार को। अरे देख कितनी मेहनत करके आऊ ना, कुछ नाश्ता वाइसा खिलाती है क्या बोला। बापू रात को जलेबी लाए थे, चलो तुम्हारे को खिलाती हूँ। अरे खिलाना बोला। एक तोता ले लो, गुड़िया ले लो, बिच्छू ले लो, फुग्गा ले लो, एक तोता ले लो, घड़ी भी ले लो, बिच्छू ले लो, एक तोता ले लो, घड़िया। आ जाओ ना साहब। अरे भाई नैन सुख, ये तुम ही हो ना? हाँ जी मैं ही हूँ। तो फिर वो कौन था? कौन वो? जिस नैन सुख से मैं बात करके आया हूँ तुम्हारे घर की चौखट पर। नैन सुख से बात करके आए मेरे घर की चौखट पर? अरे हाँ भाई, कमाल है, तुम तो जादू घर हो गए हो, वहाँ भी तुम थे यहाँ भी तुम हो। मैं जादूगर हो गया हूँ, वहाँ भी मैं था यहाँ भी मैं हूँ, घर में भी मैं था और बाजार में भी मैं हूँ। और रो ना हो, वो वही गधे का बच्चा है। अरे कौन गधे का बच्चा है? जी आपके बेटे का बाप। क्या मतलब? जी मतलब बाद में समझाऊंगा, लीजिए पहले आप फुक के बेचिए।
बच्चे सूरज सूरज भाई साहब आप यहां क्यों आए? सूरज हमारा बस चले तो हम अपने आप को तुम्हारे रास्ते में बिछा दें। जब ये जेल का दरवाजा खुला हमें ऐसा महसूस हुआ कि तुम नहीं हम जेल से बाहर आ रहे। भाई साहब चलिए। मैं तो भूल ही गया था घर क्या होता है, घर की खुशबू क्या होती है। सूरज हम शादी कर रहे हैं। सच? बस सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार था। लड़की वाले बेहद जोर दे रहे थे लेकिन हमने कहा कि हमें सबसे पहले अपने सूरज की मंजूरी चाहिए। मेरी मंजूरी? भाई साहब आप तो अच्छी तरह जानते हैं आपकी हर पसंद मेरी पसंद है। अब जल्दी से बताइए वो खुशनसीब लड़की है कौन। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं। तो दिखाइए ना, देर किस बात की। आओ
होश हो गए तुम? क्या कहूं भाई साहब, ये इतनी सुंदर है कि इनको देखते ऐसा लगता है जैसे मैं गुंगा हो गया हूं। जबान पर जो भी लफ्ज आता है झूठा झूठा सा लगता है। इनकी तारीफ में कुछ भी कहूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कांच से हीरों को तोल रहा हूं। सूरज, खुश तो हो तुम? बहुत खुश भाई साहब, इतना खुश कि जैसे दोनों जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। दीवारें फांद कर आते थे, आज मैं आई हूं। तुमने अच्छा नहीं किया रेखा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूं, चंद दिनों में मैं इस घर में हमेशा के लिए रहने आ रही हूं। मैं जानता हूं। अच्छा होगा तुम कहीं और चले जाओ, मैं नहीं चाहती मेरी नई जिंदगी पर पुरानी यादों की छाया पड़े। तुम्हारे भाई साहब के लिए भी यही अच्छा है। तुम ठीक कह रही हो रेखा, मैं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुमने तो सिर्फ घर छोड़ने के लिए कहा है, मैं अपने भाई साहब के लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। सूरज देखा, भाई साहब हमारे खत्म हो जाएगा, चली जाओ यहाँ से। सूरज जी, भाई साहब अभी तक सोए नहीं? हमने तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी, सोचा कि तुमसे जाकर कहीं कि अपने तमाम दोस्तों को शादी के लिए दावतनामा भेज दे। भाई साहब अब मैं किसे दावत दूंगा, पुरानी दोस्तियां तो खत्म हो गई। मेरे नए दोस्त वो आपकी बारात में आएंगे तो क्या लगेंगे, कोई जेब कतरा, कोई चोर, कोई खूनी, कोई 3 साल वाला, कोई 7 साल वाला, कोई जेल से आ रहा है, कोई जेल में जा रहा है। भाई साहब मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए कहीं और चला जाऊं। वैसे भी मैं आपके साथ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या पता कि तुमने हमारे लिए क्या किया और हमने तुम्हारे साथ क्या किया। भाई साहब सूरज, जब हमें उस रात की याद आती है तो रातों की नींद हराम हो जाती है, जीना पाप। भाई साहब भगवान के लिए आगे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। क्यों ना कहिए, जुर्म हमने किए और नाम तुमने लिखवा लिए, कैदे हमारी थी और काटी तुमने जाकर कैद खाने में। सूरज कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि शहर के गली कूचों में जाकर पुकारे और चिल्ला चिल्ला कर लोगों से ये कहें कि चोर सूरज नहीं, हम हैं, हम भाई साहब, चोरी हमने की है। भाई साहब मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। शुक्र पैदा करो कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा हमारे साथ हमारे पास रहोगे। सूरज आज से हम तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, आओ हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, कहो ये झूठ है रेखा, कहो ये झूठ है। ये झूठ नहीं है दादी, ये बिल्कुल सच है। नहीं रेखा, आसमान जमीन पर गिर सकता है मगर राजा बहादुर चोर नहीं हो सकते। दादी मैंने अपने कानों से सुनी है सारी बात, चोर की कहानी चोर की जुबानी। मैं नहीं मान सकता रेखा, मैं नहीं मान सकता, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है दादी, अगर झूठे हैं तो सिर्फ आपके राजा बहादुर, सर से पांव तक झूठ, के बाहर झूठ, दिल के अंदर झूठ, उनकी दोस्ती भी झूठी, उनकी जिंदगी भी झूठी। मैं शादी करूंगी तो सूरज से, उससे प्यार करती हूँ। क्या कहा, तुम सूरज से प्यार करती, उस चोर से जो चोरी के माल के साथ पकड़ा गया? मैं कैसे मान लूं कि देश की सारी पुलिस झूठी, मुल्क की सारी अदालतें बहरी। दुनिया में एक ही सच्ची चीज है और वो है तुम्हारा अंधा प्यार। मेरा प्यार अंधा नहीं है डैडी, अंधी आपकी दोस्ती है और मैं आपकी दोस्ती के खातिर अपना प्यार बलि नहीं चढ़ाऊंगी, नहीं चढ़ाऊंगी, हरगिज़ नहीं चढ़ाऊंगी। रेखा दादी, तुम मेरी जान लेकर है कि बेटा? नहीं, 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 नहीं।
जाने का बोल रही हूँ। अब जल्दी से चलिए, अब जल्दी से चलिए। अब आप आराम कीजिए राय साहब। थैंक यू डॉक्टर। मैं दवाई भिजवा देता हूँ। देखा जी, आप जरा मेरे साथ आइए। देखा जी, ये राय साहब का दूसरा अटैक था। भगवान का शुक्र कीजिए कि उनकी जान बच गई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। सुना है बाप बेटे में कोई बातचीत हो गई थी। देखिए अच्छी बात नहीं, आप उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। गुड नाइट। ये तो सिर्फ हाथ है लाला जी, मैं अपने भाई साहब के कदमों के नीचे अपना दिल भी रख सकता हूँ, अपनी जिंदगी। सरकार बड़े भाई हैं, बड़े भाई। कुंवर साहब, बड़े भाई की बारात में भाई नाचते गाते चलते हैं, आप नाचेंगे नहीं? क्यों नहीं लाला जी, मैं सिर्फ नाचूंगा ही नहीं, गाऊंगा भी। सरकार मत पूछो जो खुशी के मारे आज है अपना हाल। आंखों में छाई है मस्ती, बहक रही है चाल। के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, हाय आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के। के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। प्यार के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। दिल के गुलशन से, दिल के गुलशन से लाए हैं जो चुन चुन के। किलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, किलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुश किस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है।
अलग खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है। खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। इसी दिन को इसी दिन को गुजारे दिन गिन गिन के किलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। किलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। धड़कन तेज हो गई तेज करो लय बाजे की। अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। खुशी में धड़कन तेज हो गई तेज करो लय बाजे की। अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। ओ दिल झूमे चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी है आज दुनिया है हमारी चलेंगे तन के। चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। राजा बहादुर ये लड़कियों की रस्में हैं जो पूरी कर नहीं पड़ती। चलिए चलिए। अरे कुंवर साहब राजा साहब की शादी की मुबारक। वरी आपकी शादी कब आएंगे? सुनिए आपको जरा अंदर बुलाया है। चलिए आपने मुझे बुलाया है? जी हाँ। किस लिए? सूरज बाबू आपके चरणों पर झुककर उन शब्दों की क्षमा चाहती हूँ जो मैंने आपसे कहे। ये क्या कर रही है आप? थोड़ी ही देर में आपके पिताजी आपका कन्यादान करने वाले हैं। मुझ जैसे पापी को छूकर अपवित्र हो जाएंगी आप। नहीं सूरज बाबू नहीं, मैं तो धन्य हो जाऊंगी आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर। मुझे नहीं मालूम था कोई भी इंसान इतने बड़े कुर्बानी दे सकता है। कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी? वही जो आपने दी है। पहले जेल गए अपने भाई के पास और आज अपना दिल अपना प्यार अपना सब कुछ उनके हवन कुंड के अग्नि में हंसते हंसते डाल रहे हैं। सूरज बाबू मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी तरह अपने जीवन को एक त्याग एक आहुति बना सकूं, आपके भाई को देवता मानकर पूजा कर सकूं जिस तरह आज तक आप कर रहे हैं। Thank you.
अरे देखो छमछम करते कौन आया। भाई दुलारी भाई। भाई और दुलारी। ये मैं क्या सुन रहा हूं कुंदन? जो तुमने सुना है वो भी सच है सूरज, और जो तुम देख रहे हो वो भी सच है। जिस दुलारी से अनजाने में तुमने राखी बंधवाई थी वो किसी शरीफ घर का गहना नहीं है, बल्कि बदनाम बाजार की एक दुकान है जो रात के अंधेरे में खुलती है और सूरज की पहली किरण के साथ बंद हो जाती है। तुम कहने के आए हो यहाँ? मैं कुछ कहने नहीं, मैं मांगने आया हूँ वो कर्ज जो राखी बंधवाते वक्त तुमने चुकाने का वादा किया था। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मेरे भाई, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भरने के लिए। और ये सिंदूर वही दे सकते हैं जो यहाँ दूल्हा बनकर आए, तुम्हारे भाई राजा बहादुर। सूरज, दुलारी, काश मैंने तुम्हें बहन नहीं कहा, इस वक्त तुम्हारी जबान खींच लेता, तुम्हारे टुकड़े करके फेंक देता। ये आपने क्या कर दिया भाई साहब? जिंदगी का पहला और आखिरी नेक काम। देखो जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। नहीं सूरज, दुनिया का कोई डॉक्टर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं राजा बहादुर? हम सच कह रहे हैं हीरा लाल जी, जिस काली अंधेरी रात में आपके घर चोरी हुई थी उस दिन भी सूरज नहीं आया था। हम आए थे हम आपके राजा बहादुर, और आज फिर उसी घर में आ गए हैं बैंड बाजे के साथ खोड़ी पर चढ़कर अपने दोस्त की दौलत लूटने, अपने भाई का चेहरा छीनने। सूरज वक्त बहुत कम है, हम जाने से पहले अपने सारे कर्ज चुका देना चाहते हैं। तेरा कर्ज, तुलारी का कर्ज, धनी राम का कर्ज। राजा बहादुर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया था। कर्ज धनी राम, कर्ज फिर भी कर्ज है। सूरज हवेली नीलाम कराकर धनी राम की एक एक पाई चुका देना। देखा, हमारे पास आओ हीरा लाल जी, आज हमने आपका बनाया हुआ जेवर पर रख लिया अपने सूरज के लिए। सूरज मेरे बच्चे, ये जेवर तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहेगा। दुलारी, दुलारी, तुझे मांग में संदूर की लाली भरने का बहुत शौक था। अरे पगली, संदूर का रंग तो कच्चा होता है। सूरज, तूने जिंदगी में मेरी हर बात मानी है, एक कहना और मान लो, तुलारी को भावी का रुतबा देना, बच्चे इस खानदान की आन बान तेरे हाथ